हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर सी चैप्टर नंबर 14, स्मार्ट चार्ट्स इन आवर वर्क बुक. ओके, इन ब्रैकेट डाटा हैंडलिंग. नाउ सी, डाटा हैंडलिंग मीन्स इंफॉर्मेशन इन नंबर्स दैट कैन बी स्टोर एंड यूज फॉर कंपैरिजन और टू मेक डिसीजन इज कॉल्ड डाटा. सेकेंड, वी कलेक्ट डाटा बाय डिफरेंट मीन्स. By asking or studying written, printed material, and we record it using tally marks. We can represent, show the data through pictures, symbols, and graphs. Representing the data through pictures is called pictograph. Now see revision capsule. First question is, there are 400 students in a school. All the students take a part in different club. See the chapati chart and answer the following. ये circle दिया है, ये chart है. Data handling में इसे chart कहते हैं. ये 400 student में से उन्होंने अलग अलग parts लिए club के लिए. तो 400 student पूरे circle में है, ये आधा है. तो यहाँ पे कितने students आएंगे? 200. और यहाँ पे 200. लेकिन 200 में से अगेन उन्होंने पार्ट किया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 100 प्लस 100. तो कितना हुआ टोटल? 200 100 100. तो पूरा मिला के हुआ 400. तो उन्होंने क्या किया, ये अलग अलग पार्ट्स अपने लिए चूज़ किए. 200 के स्टूडेंट ने किए स्पोर्ट्स क्लब, 100 स्टूडेंट्स ने किए मैथ्स क्लब, 100 स्टूडेंट्स ने किया साइंस क्लब. तो नाउ सी इज रिलेटेड सम. मैथ्स क्लब हैज डैडस स्टूडेंट्स. तो मैथ क्लब हैज़ में कितने स्टूडेंट्स है? 100. तो हम आपको क्या करना है यहाँ पे, राइट 100 स्टूडेंट इज. सेकेंड क्वेश्चन, साइंस क्लब हैज, साइंस क्लब में कितने बच्चे गए? 100. तो यहाँ पे कितने आएंगे? 100. स्पोर्ट्स क्लब हैज, स्पोर्ट्स में कितने? 200 स्टूडेंट्स. मैथ्स क्लब स्टूडेंट प्लस साइंस क्लब स्टूडेंट्स. तो 100 100 कितना हुआ? 200. तो 200 स्टूडेंट. इसी तरह से हमें ये पूरा, इससे क्या पता चलता है? डाटा हैंडलिंग पता चलता है. ओके, नाउ सी क्वेश्चन सेकंड, ऑब्जर्व दिस चार्ट एंड आंसर. ये ऑब्जर्व चार्ट करो. ये है ट्रायंगल दिखा दिया, इसका मीनिंग है ये फोर चिल्ड्रन है. एक ट्रायंगल मीन्स फोर चिल्ड्रन. ओके, क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे देखिए, यह है रेड कलर, यह है ब्लू कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर. ये बच्चों ने कलर सिलेक्ट किए. और यहाँ पे आपको क्या करना है, चिल्ड्रंस वन ट्रेंड, गर्ल्स मींस फोर. और ये वापस कितना होगा? 8 12 और 16. ओके, क्वेश्चन देखते हैं. नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक रेड कलर्स. तो रेड कलर कितने बच्चों को पसंद है? ये वाले. तो ये कितना हुआ? 4 4 2 8 4 3 12. तो आंसर में कितना आएगा? 12. नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ब्लू कलर. ब्लू कलर कितने चिल्ड्रन को पसंद है? 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो आपको क्या करना है, ये पूरे ये ट्रायंगल की क्या करना है आपको, ऐड करना है. तो पूरा टोटल हमें 52 मिलेगा. यहाँ पे मैंने राइट किया है, देखिए. नाउ सी क्वेश्चन 4, लुक एट द फिगर एंड आंसर. नाउ सी, यहाँ पे दिया है टेम्परेचर और टेम्परेचर में ये ग्राफ दिया है. इसे ग्राफ कहते हैं डाटा हैंडलिंग में. यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मंथ है, मंथ में दिया है 1 मार्च. मार्च में दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, अप्रैल में 30 डिग्री सेल्सियस, मई में 35 डिग्री सेल्सियस, जून में 45 डिग्री सेल्सियस एंड दिसंबर में 10 डिग्री सेल्सियस. नाउ सी क्वेश्चन, मैक्सिमम टेम्परेचर. तो मैक्सिमम टेम्परेचर किस में है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे जून में है. देखिए 45 सेल्सियस दिया है, यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस दिया है. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 45 डिग्री सेल्सियस आपको राइट करना है. मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे 10 लिखना है आपको. टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च महीने में कितना टेम्परेचर था?
20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे लिखना है 30 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ, कौन सा था, कौन से महीने में 30, तो ये अप्रैल में है, तो आपको यहाँ पे अप्रैल लिखना है। तो आपको इसी तरह से पूरे चैप्टर्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके।